आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों में रोजाना औसतन 20 से 30 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। शुक्रवार को एक बार फिर 31 नए पॉजिटिव केस रीवा जिले में सामने आए हैं। जिला अस्पताल में टेली मेडिसिन केंद्र के डॉक्टर समेत 4 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित पाए गए। इसी तरह से मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार शहर के मध्यांचल बैंक नेहरू नगर शाखा में ऋण मैनेजर के कांटेक्ट में आने के बाद 2 और कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल बैंक खोलने के लिए एक एक दिन की अल्टरनेट व्यवस्था बनाई गई है। इधर मझियार हाउस में 2 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो वहीं जेल में एक बंदी भी संक्रमित मिला है। आपको बता दें कि शहर के बोदाबाग उपरहटी में भी एक एक संक्रमित केस मिला है। आपको बता दें कि शहर के बाद ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक 5 संक्रमित केस गंगेव ब्लॉक में मिले। वहीं संजय गांधी अस्पताल में सिंगरौली और मैहर से रेफर आए 2 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर एसके बजाज ने बताया है कि सिंगरौली के 45 वर्षीय मरीज को ऑक्सीजन नहीं लगा था, उसकी हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। तो वहीं मैहर के 55 वर्षीय बुजुर्ग निमोनिया से ग्रसित थे और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। 4 दिन से ऑक्सीजन पर इलाज चल रहा था, जिनकी अचानक कल मौत हो गई। आपको बता दें कि यह दोनों कोरोना पॉजिटिव थे, जिनकी मौत के बाद अब अस्पताल में मृतकों का आंकड़ा अब 28 पहुंच गया है, जिनमें से 13 मृतक रीवा के शामिल हैं।